फाइनली इंतजार खत्म हुआ है बच्चों का, फिर से गेम खेलने वाले हैं हम लोग, फिर से ट्रेंड एनालिसिस का। इस टाइप का सम आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है स्पेशली, ये क्वेश्चन तो रखेंगे इस टाइप के। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे मैंने खाली रखा ना, मतलब इस तरीके से आपको क्वेश्चन मार्क दिखने वाला है ऐसे, क्लियर। बाकी मैंने वहाँ पे क्या रखा है, खाली रखा है कि क्यों पहले क्वेश्चन लिखो फिर बाद में सॉल्व करो, इससे बेस्ट है आप समझो कि जहाँ पे आपको खाली दिख रहा है वहाँ पे आप क्या करने वाले हो, सॉल्व करने वाले हो। तो चलिए जो लोग टाइम क्लियर है, चलिए जिनको टाइम पास नहीं हो रहा था चलिए हमारे साथ गेम खेलेंगे, वो चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो या फिर कोई और, वैसे तो कॉमर्स वाले इस चैनल पे हैं, तो कॉमर्स में चाहे बैफ, बी कॉम, बी बी आई, बी एम एस, जहाँ पर भी ये टॉपिक आपको दिखता है, ट्रेंड एनालिसिस वाला टॉपिक आपको दिखेगा, ये टाइप के सम जरूर आपको दिखेंगे। कोई भी कोर्स आपने लिया हो, स्पेशली वैसे एस वाई बी कॉम का चल रहा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बट आप अगर बैफ में हो तो बैफ में भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग होगा, नहीं होगा तो आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होगा, ये टॉपिक तो जरूर रहता है। और बाकी बी एम एस एंड बी बी आई का मुझे आइडिया नहीं, बट टॉपिक रहेगा तो सिमिलर सम ही है, कुछ डिफरेंट नहीं रहता, प्रैक्टिकल में तो कोई डिफरेंट है ही नहीं। तो चलिए सर गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। गेम खेलेंगे कैसे, ट्रेंड एनालिसिस का कॉन्सेप्ट सर क्लियर है, हमको पहले से ही पता है, काफ़ी चीज़ें हमको पहले से ही पता है, बट यहाँ पे तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, अच्छे अच्छे बच्चों का दिमाग थोड़ा सा चलना यहाँ पे बंद हो जाता है। सर कैसे कर सकते हैं, कैसे 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 करेंगे, अब ध्यान से देखना समझना है, टेंशन में आ गए बच्चे, काफ़ी बच्चे टेंशन में आ रहे, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो ये लाइन कवर कर देता हूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा किस में आता है, टेबल में दिखना चाहिए सर, ध्यान से रखना। पहले तो इसको मैं थोड़ा सा बना ले रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरा दिख रहा है, हाँ सर। पहले तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस को मैं क्या ले रहा हूँ, बॉक्स में कर ले रहा हूँ, ये सब चीज़ें ध्यान रखना, उन्होंने बॉक्स बना के दिया नहीं है, और जिससे काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में जाएंगे, जिन्होंने जो लास्ट टाइम पे देख रहे हैं स्पेशली उनकी बात हो रही, जो कंटिन्यू देख रहे हैं तो उनको तो पता है कैसे भी समाने दो। रेडी है सर, रेडी है हम सीना तान के, कैसा भी सम फेंकने दो, टॉपिक्स में 15 टू 20 मार्क्स तो लेके रहेंगे, कैसे भी समाने दो। फॉर्मेट काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, ऑलरेडी इतने टाइम से सीरीज देख रहे हो, #13 चल रहा है यार ये टॉपिक का, तो बच्चे खुद बोल लेंगे सर मजा के क्या है, स्टार्टिंग रहे तो समझ में आता है, #13 में टॉपिक में डाउट पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है सर। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे तो काफ़ी कुछ चीज़ें मिसिंग दिख रही हैं सर, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन्होंने किया है कि पहले टेबल में काफ़ी चीज़ें गायब दिख रही है सर, सेकंड टेबल से कुछ मिल सकता है क्या, तो दो अमाउंट साथ दिया तो मतलब कुछ ना कुछ तो मिलेगा, क्या मिल सकता है सर, ध्यान से थोड़ा दिमाग लगाते हैं सर। ग्रॉस मार्जिन बोलता है, इसको नंबर दे दो आप, सबसे बेस्ट है, तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपके लिए भी। 1, 2, 3 ये दे दूंगा मैं, 4 सर इसको, नहीं तो चलो 4 ही कर दो इसको भी, 4, 5, 6, नहीं तो जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है क्लियर कर लिया सर। आपने बोला था ये जो ग्रॉस मार्जिन मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट जो आता है 1-2 आता है, 1-2, 1-2 मीन्स क्या, हमारा सर सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, तो माइनस कर दूंगा सर, आ गया मीन्स कौन, ग्रॉस मार्जिन आ गया, गाना याद आ गया मुझे भी, आ गया सर। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे भी आगे प्रॉब्लम दिख रहा है सर, ग्रॉस मार्जिन तो निकाला बट आगे का ये अमाउंट मिसिंग है, कैसे निकालूं, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है सर, कैसे करें, तो थोड़ा सा लगाएंगे दिमाग, क्या दिमाग सर लगाना है, ये सर 550 है इसका परसेंटेज नहीं है, ये सर 650 है इसका परसेंटेज है, तो ये निकाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, कैसे ध्यान से सुनना समझना है, ये 650 किसका है सर, 130 का, ध्यान से देखना है, 130 का 650 है, कैलसी साथ लेके बैठो, 130 का 650 है, तो 100 का कितना कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, इट मीन 650 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 130, कैलसी उठा लो और आंसर बताओ कितना आया सर, 5 लाख आ रहा है, कहाँ पे लिखना है सर, यहाँ लिख दो, जिसको कुछ भी डाउट कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, सिर्फ मैथ्स का खेल है ये, एक तरीके का खेल ही बोलता है ये टॉपिक नहीं, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, फॉर्मेट आपको बनाना है, फॉर्मेट बना बनाया दे रहे, सिर्फ गेम खिला रहे आपको भाई, 100 इतना तो 130 कितना, 100 इतना तो 125 कितना, यही तो कर रहे हम,
हो गया सर। हाँ ये 550 आया तो ये सर परसेंटेज निकाल सकता हूँ क्या? कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर अब ये कैसे निकलेगा, ये क्या लॉजिक है? लॉजिक कुछ नहीं है भाई, सिर्फ दिमाग लगाओ। 5,00,100 का है सर, मतलब 100 का जब 5,00,000 है, 100 का 5,00,000 रुपया है तो 550 का कितना रहेगा? रुपीज रुपीज के नीचे रहेगा, परसेंटेज परसेंटेज क्रॉस मारो ना कैसे। 5,50,000 × 100 / 5,00,000 किया तो सर मेरा आंसर आया 110 आया। यहां तक मुझे नहीं लग रहा किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन होनी चाहिए, डाउट कंफ्यूजन है कमेंट खुला है कर दो ना। सर यहां पे अब क्या लॉजिक लगाओ क्या? तो आप देखो ना, तीन चीजें मेरे को चाहिए, चाहे परसेंटेज में हो चाहे अमाउंट में हो, लेकिन ध्यान रखना ऐसा नहीं तीनों परसेंटेज में होगा तो निकलेगा। 2% एक अमाउंट में निकल जाएगा, 2% 1% में है निकल जाएगा, और तीनों अमाउंट है तो भी निकल जाएगा, तो और आसानी सी बात है। और वैसे तो बेस ईयर हमारा 100 ही रहता चाहे दिया हो नहीं दिया हो। सर ये निकाल सकता हूं 2,50,000 सर 2012 का, 2012 का ये भी देके रखा, मतलब 125 का देके रखा है 2,50,000। एक भी स्टेप अगर आपने मिस किया तो प्रॉब्लम क्रिएट कर दोगे खुद से। क्रॉस कर दूंगा सर, क्रॉस क्रॉस का गेम खेल रहा है, क्रॉस क्रॉस का गेम वो बचपन में खेला वैसा क्रॉस वाला गेम खेल रहा है। तो मल्टीप्लाई कैलसी पे मल्टीप्लाई लो, 2,50,000 × 100 / 125 तो कितना आया कैलसी पे आपने अगर लिया होगा तो? सर आ रहा है 2,50,000 तो आ गया सर 2,00,000 आया। सबका आया? सबका आ रहा है क्या? कुछ बच्चे बोले सर नहीं आ रहे, नहीं आ रहे तो ठीक है कैलसी आप सही कर लो अपने, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई सही कर लो। ये माइनस किया सर तो आ गया ये 3, यहाँ तक सबका सही चल रहा है। हाँ सर ये सही चल रहा है, कुछ तो थोड़ा सही चल रहा है। क्या सही चला? 3 ये भी है, 3 ये भी है, मतलब ये मेरा 100 रहेगा, वैसे ही देख के लग गया। सर अभी ये चीज़ कैसे निकलेगी ये थोड़ा सा गाइड करिए, कैसे निकलेगी थोड़ा ध्यान से दिमाग लगाते दिमाग दौड़ाते। अब यहाँ पे दोनों चीज़ मिसिंग है, अगर दोनों चीज़ मिसिंग है उस ईयर की तो प्रॉब्लम तो है, फिर नहीं निकलेगा सर। लेकिन इसका नीचे अगर थोड़ा सा मैं ध्यान देता हूँ, ग्रॉस मार्जिन पे दिख रहा है, ये दिख रहा है भाई, ये दोनों का अमाउंट भी है परसेंटेज भी है, इसका परसेंटेज है अमाउंट मिसिंग है तो आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या सर 100 का अगर 3 है, 100 का 3,00,000 है तो 120 का कितना? क्या सर बोले फिर से रिपीट, 100 का मैंने बोला 3,00,000 है तो 120 का कितना? क्रॉस क्रॉस कर लो, क्रॉस किया सर कितना आया टोटल आप क्रॉस करके देखना, 360 आया। ध्यान से एक एक स्टेप देखना नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर सीरियसली प्रॉब्लम तो हो जाएगी। सर 360 है तो ये निकल सकता है क्या? बिल्कुल, इसीलिए बोला टेबल भी देखते रहा करो। सर माइनस कर दूंगा 650 में से, 6,50,000 में से माइनस करूंगा 3,60,000। सर कितना आ रहा है? 2,90,000 आ रहा है। आ गया? हाँ सर आ गया है। ये निकल सकता है अब क्या? पूछने वाली बात है। 100 का 2,00,000 तो 290 का कितना? अदरवाइज दूसरा तरीका था, 100 × 2,90 / 2,00,000 किया तो सर मेरा आंसर आया 145। मैं भी सब प्रैक्टिस नहीं करता, सीधा स्टार्ट कर देता भाई। ये SY का पता नहीं कब खेला था ये गेम, गेम खेले रहते तो याद रहता भाई, रटे रहते तो नहीं याद होता, गेम खेले थे इसमें, ये वाले समय में तो मजा आता था सॉल्व करने में, एंड मैथ्स वाले को तो वैसे ही मजा आता है काफी कुछ। सर ये कैसे निकलेगा ये तो और आसान है। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था सर 3 डिटेल चाहिए, यहाँ तो 4 है, 1, 2, 3, 4, तो मैंने क्या बोला 2 डिटेल, 3 डिटेल से काम होता था, 4 डिटेल दिया तो आराम से निकल जाएगा। सर कैसे निकलेगा भाई? 60,000 दिया किसका सर? 2011 का परसेंटेज कितना? 100 का 60,000 तो 115 का कितना? सर क्या बोला फिर से बोलिए, 100 का कितना दिया है? 60,000 दिया है तो 115 का कितना? क्रॉस कर लो कैलसी पे, आप कैलसी पे क्रॉस किया तो सर आया 69,000। किसी का डिफरेंट कुछ आ रहा है क्या? नहीं सर। ये निकाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल, 115 हटाओ 125 लाओ, यहाँ पे 115 की जगह 125 कर लो क्रॉस। आंसर आया क्या सर? आंसर बिल्कुल आया 75,000। यहाँ तक कुछ नहीं सर, अभी तक सब सही चल रहा है, सब प्रॉपर करते जा रहे हैं। अब नीचे फिर आपने बोला था सर 2 डिटेल हमारे पास है तो तीसरी आ जाएगी, कर लेते हैं कैसे? सर ये यहाँ पे 3 डिटेल, फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट आप बोलना चाहते हो, मतलब यहाँ 4 डिटेल है, 1, 2, 3 का 4 है तो सर आराम से क्रॉस कर लेते हैं। 100 का 50 तो 125 का कितना? सर 100 का आपने बोला 50 तो 125 का कितना? 125 का कितना है? 125 क्रॉस कर लो,
नहीं सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे ध्यान रखना 2012, 2012 तो ये ऊपर करो, 100 का नहीं, ये 125 का 50 है, तो 100 का कितना, ईयर मैच करना, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा मेरे जैसा, जैसे मैंने थोड़ा जल्दबाजी में किया। ध्यान रखना क्रॉस मल्टीप्लाई लिया सर कितना आया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो सर 40 आया, सबका 40 आया। हाँ सर, अब सेम सिमिलर वही करना है, 125 का अगर 50 है तो 150 का कितना, तो आप 100 के प्लेस पे क्या कर दो 150, सेम क्रॉस ले लो, कितना आ रहा है सर, कितना आया सर 50, 60 आया सर, 60 आया। यहां तक किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन है क्या सर? नहीं, बट नीचे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है सर, क्योंकि आपने बोला था कि इस लाइन में कुछ निकालना है, तीन डिटेल चाहिए, बट सर दो डिटेल है, अब क्या करें, टेंशन 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 आया तो ठीक है, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखना, दो डिटेल है, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, नीचे जाओ सर, यहाँ तो और थोड़ा सा शॉक लगा कि दो से एक डिटेल हो गया, अब यहाँ तो और नहीं पॉसिबल, कोई बात नहीं, नीचे चले जाओ, जाते रहो नीचे स्तर पर, जाते रहो, गिर जाओ नीचे, जाते जाते अब यहाँ निकल सकता है क्या, बिल्कुल निकल सकता है, ध्यान से देखना, सिंपल है, ये कौन से ईयर का है, नहीं तो मेरे जैसी गलती कर दोगे, 2013 का 180 है, 2013 का कितना सर 120 बेटा आपका 180,000 है, तो ये कितना है 100 कितना रहेगा, मीन्स मल्टीप्लाई कर लूंगा, मल्टीप्लाई क्रॉस मारो 180 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 120 किया सर, 120 किया तो 180 के पास वाला कितना है सर 150 आया, जिसका भी डिफरेंट आएगा बताना, ये भी 100 है सर, ये भी 150 आएगा, यहां तक आ रहे हैं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहे, कुछ समझ में आ रहे क्या, बिल्कुल आ रहे सर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, इनकम टैक्स दिया था 60,000 माइनस कर दूंगा तो सर ये मेरा 90 आ गया, ध्यान से देखना बहुत आराम से आएगा, ध्यान से, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, बस थोड़ा ध्यान से सब्र रखा करो, समझा करो, कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा पता चला वहीं टेंशन ले लिए सर, दो डिटेल था आपने बताया था तीन रहेगा, तो नीचे आओ ना, अभी सब मिलेगा, लाइन टू लाइन सब मिलेगा सर, इसमें इसमें तीन डिटेल है क्या, बिल्कुल है, इसमें तीन डिटेल है क्या, बिल्कुल है, ये निकल गया मतलब इसका काम ही खत्म हो गया, ये हमको मिल जाएगा कैसे सर, 100 का 90 है तो 75 का कितना परसेंटेज आ गया, बिल्कुल आ गया सर, कैसे निकालेंगे 100 मल्टीप्लाई 75,000 डिवाइड बाय 90, नहीं समझता ऐसा क्रॉस करना सीख लो, अदरवाइज परसेंटेज वाला तो हम लोग को याद ही है सर, 100 मल्टीप्लाई 75,000 करूंगा डिवाइड बाय 90,000 कर दूंगा, कितना परसेंट आ रहा है सर, सेकंड का परसेंटेज अगर मैं देखता हूं, क्रॉस कर दीजिए आप, क्रॉस करेंगे तो 90 75, तो आपका जो परसेंटेज आया 83 आ रहा है, 83 आ रहा है, तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है सर। हाँ, ये फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या सर, बिल्कुल कर सकता हूँ, 100 का अगर 90,000 है तो 120 का कितना सर, क्या बोला आपने, मैंने बोला 100 का, 100 कौन से ईयर का सर, 2011 का है, 2011 का कितना दिख रहा है सर 90, 100 का अगर 90 है तो 120 का कितना, क्रॉस करूंगा सर, क्रॉस किया तो मेरा जो आंसर आया 1,08,000, यहां तक कोई दिक्कत है क्या सर, नहीं, इनकम टैक्स में क्या करूं सर, क्रॉस कर दूं क्या, बिल्कुल क्रॉस मत करो, आप क्रॉस करने की जरूरत नहीं, आप यहां से सीधा माइनस ले लो तो भी आ जाएगा, 150 से आप इनकम टैक्स माइनस करते हो तो आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्रॉस करोगे तो भी आएगा, बट इस सिंपल सा जब माइनस करने पे आ रहा है आप वो देखो ना, 150 से कितना माइनस किया 75 सर, माइनस करो ना 150 से 75 माइनस किया तो ये मेरा आया सर 75, 180 से 1,08,000 माइनस किया तो सर 72,000 आया, आया क्या सर, आ गया, परसेंटेज ये निकालना था, ये खाली दिख रहा है 100 मल्टीप्लाई कौन से ईयर का सर 2012 का, 100 मल्टीप्लाई 75,000 डिवाइड बाय 60,000 किया तो लास्ट ये मेरा परसेंटेज आया सर 125। अब बीच में जो मिसिंग चीजें निकाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो, ध्यान से फॉर्मेट पे देखना है सर, ये जो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है इसका मतलब होता है ये तीनों एक्सपेंसेस प्लस, मतलब सर 4 + 5 + 6, जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा ये चीज, 4 + 5 + 6 रहता है ये चीज हमारी, ठीक है सर, मतलब और उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहां से आया सर, ये हम लोग माइनस करते हैं थर्ड, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट माइनस
सेवन, मतलब इसका टोटल, मतलब सर क्या बोला आपने, ये 3 लाख में से ये तीनों का प्लस माइनस करूंगा तो 1.5 लाख आना चाहिए। सर निकल सकते हैं क्या, कैसे ये अमाउंट कैसे निकल सकता है, निकाल सकते हो क्या? तो कुछ लोग अभी भी डाउट में चल रहे हैं सर कैसे निकालेंगे। चलो समझाता हूँ आपको कॉन्सेप्ट, पहले ये वाला जिसमें तीनों डिटेल है। आप कैलसी पे ले लो 69,000 प्लस 50,000 प्लस 31,000, सर कितना आया 69, 50, 31, सर आया 1,50,000 आया, 1,50,000 आ रहा है, ठीक है। माइनस कर दिया, ये टोटल माइनस किया तभी तो ये चीज़ आ रहा है, 1,50,000 आपका मैच हो रहा है। मैं यहाँ पे टैक्स मीन्स मेरे पास टैक्स हो गए कैलसी ने, इसलिए मैं मैच करते हुए चल रहा हूँ कि प्रॉपर चल रहा हूँ कि नहीं। मैं यहाँ पे बराबर है 1,50,000 आया, मैच होना चाहिए, ध्यान रखना आप। थर्ड माइनस सेवन मतलब ग्रॉस मार्जिन में से आपका टोटल ऑपरेटिंग माइनस करने पे ये आना चाहिए, तो ये निकल सकता है क्या, निकल जाएगा क्या? सर अभी भी कंफ्यूजन लग रहा है कैसे निकाल पाऊंगा मैं, ध्यान से देखो ना, सिंपल सा 60-40 कितना होता है सर 1,00,000, यहाँ कितना दिए सर 3, 3 में से 1 घटाऊंगा कितना आएगा सर 2,00,000 आएगा, बट यहाँ पे 1.5 लाख आना चाहिए, तो क्या करूँगा सर यहाँ पे कितना, तो कॉमन सी बात है भाई, 3 में से कितना माइनस करोगे 1.5 लाख आएगा सर 1.5 लाख, सीधा आंसर मिला। सर 3 में से कितना माइनस करोगे 1.5 लाख आएगा सर 1.5 लाख, तो ये तो 1 ही लाख है सर, बाकी जो बचा है इसका मतलब ये हमारा क्या है, मिल गया आंसर, सेलिंग एक्सपेंस सॉरी फाइनेंस एक्सपेंसेस का आंसर मिला। सर अब ये निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो, कैसे, 100 का 50,000 है तो 31 का कितना, पहले ये परसेंट निकाल लेता हूँ, तो परसेंट आएगा सर, परसेंट आपका आएगा कहाँ पे गया, 50-31 का परसेंट आ रहा है सर 62 आ रहे हैं। अभी भी दोनों चीज़ मिसिंग है सर, आपने बताया था दोनों चीज़ मिसिंग है तो निकालना पॉसिबल नहीं है, बट फिर हम लोग यहाँ पे वही दिमाग लगाएंगे। ये आपका कितना है सर 360, इसमें से मैंने क्या बोला, ये तीनों का प्लस करूँगा टोटल जो आता है वो माइनस करूँगा 180। सर कैलसी पे आप लोग 75 प्लस 60 कर दूँगा 135 आ रहे हैं, यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि मेरे पास कैलसी नहीं है सर, 135 आप माइनस करो 360 से, 135 माइनस करो, कैलसी नहीं है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है, माइनस किया सर 000, ये आपका आ गया 5, ये आपका आ गया 2, ये आपका आ गया 225, बट सर यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है सर 1,80,000 आ रहा है, 225 आ रहा है, कितना ज़्यादा आ रहा है सर, कितना ज़्यादा, तो 25 यहाँ 20 यहाँ, मतलब 45 ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये 45, क्योंकि टोटल हमारा आना चाहिए था कि माइनस करने पे आए इतना। अब इसका टोटल लेके चेक कर लो, आप एक बार वेरीफाई कर लो सही चल रहे हो कि नहीं, तो आपका हो जाएगा 7, 6, 13, 4, 17, 1, 18, 180 टोटल आ रहे हैं, 360 से 180 माइनस किया तो 180 है, अब मैच हो गया सर, बराबर हो गया। अब आगे की चीज़ निकाल सकता हूँ क्या, ये जो 3 चीज मिसिंग है परसेंटेज निकाल सकता हूँ क्या, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे अच्छे बच्चे फंस जाते हैं, जैसे यहाँ पे काफ़ी सोचने के लिए मजबूर किया मुझे भी, काफ़ी टाइम के बाद प्रैक्टिस किया टॉपिक, तो देखा आपने किस तरीके से परसेंटेज आप निकालोगे। आई होप यहाँ पे उम्मीद है, 100 मल्टीप्लाई लेना है, मल्टीप्लाई कौन से ईयर का सही से 150, ये तो सेम ही आएगा, ये भी आपका 100 ही आएगा, ये तो देख के लग रहा है 100 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय 150 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा परसेंटेज का। किसी बच्चे को डाउट कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया होगा, हार्ड लगा होगा, कॉमेंट में ऐड कर देना, किसी बच्चों को आसान लग गया होगा जिस तरीके से जिस पे से मैंने एक्सप्लेन किया तो भी कॉमेंट में थोड़ी सी तारीफ कर देना, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो चैनल को लाइक एंड कमेंट जरूर ऐड किया करो भाई, इतनी छोटी सी डिमांड है, कितने सेकंड लगते हैं लाइक करने के लिए और कितने टाइम लगती है आपको कमेंट करने के लिए, बच्चे थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पे कंजूसी कर रहे हैं भाई, कमेंट कुछ यहाँ पे कंजूसी नहीं करना है आपको, जितना भर भर के दो भाई, फ्री बांटने हैं आपको, फ्री कमेंट करते रहो, फ्री कमेंट करते रहो, मीन्स बहुत ज़्यादा भी कमेंट नहीं करना, बस एक ही कमेंट इनफ है आपका। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम लोग बात करेंगे इसके आगे वाले पार्ट की, इस तरीके से और अच्छे अच्छे से हम प्रैक्टिस करेंगे, तो चलिए बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।